हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम लोग आफ्टर सो लॉन्ग जाने वाले हैं संडे राइड पे। मेरा आपने बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं देखा होगा संडे राइड का। आज हम संडे राइड पे जाने वाले हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। बस हम तैयार हो रहे हैं, फिर सीधा जाएंगे हम अपने मीटिंग पॉइंट पे। बाकी आपको बाइक पे मिलेंगे। टाइम हो चुका है इस टाइम सुबह के 4:36। हम लोग ड्रेसअप हो चुके हैं, अब इसके ऊपर हम अपने गियर्स पहनेंगे। और पीछे मैस मचा हुआ है संडे राइड को, यही हाल रहता है, प्लीज़ इग्नोर करना इसको, आके हम इसको संभालेंगे। अब हम अपनी जैकेट वेयर करते हैं, हेलमेट वगैरह तो बाइक पे जाके वेयर करेंगे, तब आपको दिखाएंगे। मिलते हैं आप लोगों को सीधा मीटिंग पॉइंट पे। आ गए हैं अपनी पार्किंग में, और मेरे पीछे खड़ी हमारी दो ब्यूटीज, मैं आपको अभी दिखा। दिस इज़ BMW S1000 RR 2020 एडिशन। ये मेरे बड़े भैया चलाएंगे अभी, दिलप्रीत पाजी, जिनका वाइल्ड विंग राइडर ग्रुप है, आप जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और ये रही हमारी माइटी हायाबूसा, जिसको हम कहते हैं ब्लैक पैंथर, और इसका नाम है बेब। बस अब फटाफट गियर अप होते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हैं। हम गियर अप हो चुके हैं एकदम, आप देख सकते हैं तो पीछे हमारे बड़े भैया, अब हम निकलने लगे हैं। बस राइड स्टार्ट करेंगे, भैया को तो फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले जाके फ्यूल कराना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कितनी गर्मी है, और हम लोगों को प्रॉपर गियर में ही चलानी पड़ती है, क्योंकि हम लोग टॉप स्पीड 300 तक जाते हैं, तो उसमें तो प्रॉपर गियर होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी ड्यूटीज खड़ी हैं, बस हम निकलेंगे फटाफट। हम लोग इकट्ठे हो चुके हैं अपने मीटिंग पॉइंट पे धौला कुआं। ओके, अब आगे चलाओ यार, क्या दिक्कत नहीं है। और अगर किसी को भी चलानी है, फ्लाई बाय क्रोज नहीं देना है हमेशा है अपने। अगर आप किसी से ट्रैक भी कर रहे हो, गैप रख के चलना है, ठीक है। नॉर्मल राइड कर रहे हैं, कोई रेस नहीं है किसी के पापा को दिखाने के लिए। सुन लिया, चलो चलो।
हमारा लाइनर दोबारा से हो चुका है, अब हम निकल रहे हैं। इस समय हम ईपी पे और ईपी से अब निकल रहे हैं वापस गुड़गांव की तरफ। गुड़गांव जाके हम रेडिसन में जाएंगे और लाइनअप तैयार है मेरे पीछे, मैं आप लोगों को दिखाते हैं अपने तीन मीटिंग पॉइंट पे। यहाँ पर सब एक साथ इकट्ठे होंगे, इसके बाद हम लोग अब आगे जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो है रेडिसन ब्लू, वहाँ पर हम सब ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद सीधा अपने अपने घर को निकलेंगे। आज थोड़ी कम बाइक चाहिए क्योंकि आपको पता है गर्मी कितनी हो रही है, उस वजह से थोड़ी कम बाइक है आज। यहाँ पर अब एक बार और ब्रीफिंग होगी, पहले एक ड्रोन शॉट ले रहे हैं और ये ट्रक्स जो हैं, ये ट्रक्स रुके हैं स्पेशली हमारी बाइक्स देखने के लिए। और सीरियसली बता रहा हूँ, इतनी गर्मी है मैं आपको बता नहीं सकता। या सोच रहा हूँ कि मैंने रेड कलर का कपड़ा कौन सा डाला हुआ है, इसलिए डाला है, हम लोग नीचे नेट बांधते हैं तो हेलमेट इतना टाइट होते हैं अगले, वो डालते उतारते उतर जाता है। देखो अब मेरा वो रेड वाला कैप पटका भी हिल चुका है, इसलिए हम ये नीचे टाइट करके बांधते हैं ताकि हमारा पटका ना उतर जाए राइड के बीच में। ऊपर से हम लोग फिटिंग गियर्स में होते हैं इस टाइम, तो हमारे को तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मेरी टी शर्ट अंदर से पूरी स्वेटिंग से भर चुकी है। हम लोग पहुंच चुके हैं रेडिसन होटल, अब हम आ चुके हैं रेडिसन व्यू होटल गुड़गांव में। अब हम लोग यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, यहाँ पर राइडर्स भी हैं और जो यहाँ स्टे कर रहे हैं वो लोग भी हैं, क्राउड ही हो रखा है थोड़ा। ब्रेकफास्ट हो चुका है खत्म, इस टाइम पे सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब है वापस घर जाने की बारी। सब तैयार हो चुके हैं बाहर, यहाँ पर भी सब अपने राइडिंग गियर्स पहन रहे हैं। बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। Mm-hmm.